आज हम 100 दिन 100 कहानियों में HCL टेक की चेयरमैन रोशनी नदर मल्होत्रा की कहानी पर बात करेंगे। मिलिए रोशनी नदर मल्होत्रा से, HCL टेक की चेयरमैन, जो एक IT और परामर्श सेवाओं की एक कंपनी है जिसका मूल्य 2020 में $12 बिलियन था। 2020 में जब रोशनी ने अपने पापा की जगह इस पद को संभाला तो वह भारत की पहली महिला उद्यमी बनी जो एक IT कंपनी को संभाल रही थी। रोशनी के CEO बनने से पहले वे शिव नदर फाउंडेशन के ट्रस्टी भी थी, जो एक शिक्षा पर केंद्रित NGO है जो कि ग्रामीण शिक्षा को बेहतर बनाने में मदद करता है। रोशनी ने केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से MBA किया था और फिर भारत वापस आकर अपने पापा की कंपनी में काम किया। सिर्फ एक साल में उन्हें HCL कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO बनाया गया और फिर वे चेयरपर्सन भी बनी। 2022 में रोशनी को फोर्ब्स के वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन रैंकिंग में 53वां स्थान मिला, जो उनके महत्वपूर्ण प्रभाव को दिखाता है।